एक समय की बात है, हरे भरे अफ्रीकी सवाना के मध्य में सबसे अच्छे दोस्तों की एक असामान्य जोड़ी रहती थी। आकार और रूप रंग में आश्चर्यजनक अंतर के बावजूद लियो शेर और एली हाथी अविभाज्य साथी थे। लियो अपनी सुनहरी अयाल और राजसी उपस्थिति के साथ जंगल का निर्विवाद राजा था। उसकी शक्तिशाली दहाड़ जंगल के विशाल विस्तार में गूंजती हुई सुनी जा सकती थी, जिससे अन्य जानवरों के दिलों में खौफ पैदा हो गया। दूसरी ओर एली थी, जो विशाल कानों और दयालु बुद्धिमान अभिव्यक्ति वाली एक सौम्य राक्षसी थी। जैसे ही वह चलती थी, उसकी सूंड खूबसूरती से हिलती थी और उसकी गहरी भावपूर्ण आंखों में युगों का ज्ञान झलकता था। लियो और एली के बीच की दोस्ती सवाना के सभी जानवरों के लिए आश्चर्य का स्रोत थी। उनकी पहली मुलाकात तब हुई जब वे दोनों बहुत छोटे थे। जिज्ञासु और साहसी लियो अपने गौरव से बहुत दूर भटक गया था और खुद को अपरिचित क्षेत्र में पाया था। वह तब तक डरा हुआ और अकेला था जब तक एली ने अपने देखभाल करने वाले स्वभाव के कारण उसे झाड़ियों के समूह के पीछे कांपते हुए नहीं देखा। बिना एक पल की झिझक के उसने उसे सांत्वना दी और उसे उसके परिवार के पास वापस ले गई। उस दिन के बाद से उनकी दोस्ती परवान चढ़ गई। उन्होंने अपने दिन सवाना की खोज, खेल खेलने और प्राचीन बबूल के पेड़ों की छाया के नीचे कहानियां साझा करने में बिताए। लियो की चपलता ने एली की ताकत को पूरक बनाया और एली की बुद्धिमत्ता ने लियो की साहसी भावना को संतुलित किया। साथ में वे एक अजेय टीम थे और हर गुजरते दिन के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया। एक धूप वाले दिन जब वे एक चमचमाती नदी के पास टहल रहे थे, उन्होंने जानवरों के बीच हलचल देखी। नदी सूख गई थी, जिससे सवाना के अन्य जीव पानी के लिए व्याकुल हो गए थे। लियो और एली जानते थे कि उन्हें अपने दोस्तों की मदद के लिए कुछ करना होगा। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ लियो और एली एक नए जल स्रोत की खोज में निकल पड़े। उन्होंने विशाल रेगिस्तानों को पार किया, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़े और घने जंगलों को पार किया और रास्ते में कई चुनौतियों का सामना किया। लेकिन उनकी दोस्ती, साहस और टीम वर्क ने उन्हें हर बाधा से पार दिलाया। अंततः कई दिनों की खोज के बाद उन्हें दो चट्टानी चट्टानों के बीच स्थित एक छिपे हुए नखलिस्तान की खोज हुई। नखलिस्तान एक स्वर्ग था, जिसमें क्रिस्टल सा साफ पानी, हरी भरी वनस्पति और प्रचुर मात्रा में भोजन था। लियो और एली बहुत खुश हुए और तुरंत काम पर लग गए और यह सुनिश्चित किया कि पानी की आपूर्ति सवाना के हर कोने तक पहुंच जाए। उनके निस्वार्थ कार्य ने सवाना के जानवरों को बचाया और उन्हें नायक के रूप में सम्मानित किया गया। अन्य जानवरों को शेर और हाथी के बीच की दोस्ती देखकर आश्चर्य हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। जैसे जैसे साल बीतते गए, लियो और एली ने अपने घर और उसके निवासियों की रक्षा करना जारी रखा। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसने जानवरों की पीढ़ियों को मतभेदों से परे देखने और एकता और दोस्ती की ताकत को अपनाने के लिए प्रेरित किया। और इसलिए अफ्रीकी सवाना के बीचों बीच शेर लियो और एली हाथी की कहानी दोस्ती की असाधारण शक्ति और उन उल्लेखनीय चीजों का प्रमाण है जो तब हासिल की जा सकती हैं जब दिल, प्यार और समझ में एक साथ बंधे हों।